25 तारीख से कुछ संगठनों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल का ये कलमबंद हड़ताल का आह्वान किया है। इस विषय में हमने यहाँ के जो कर्मचारी नेताओं हैं उनसे वार्ता भी की है और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि यदि कोई उनकी तरफ से कोई मूवमेंट कराया जाता है तो पूर्णतया शांतिपूर्वक और शांतिपूर्वक मूवमेंट यहाँ पर करा जाएगा। और जो उनकी प्रमुख मांग है वो नई पेंशन स्कीम को लेकर है। इस पर जो विभाग हैं जिनके कर्मचारी हैं जो वर्ष 2005 से राज्य सरकार में आए हुए हैं उन सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को कार्यालयाध्यक्षों को और जो वहाँ के वित्त लेखाधिकारी हैं ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपने जितने भी बचे हुए अधिकारी हैं उनके PRAN जो पेंशन रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है उसको खुलवाएं और उसमें यदि किस्तों का उनकी समायोजन नहीं हुआ है तो उनकी किस्तों का समायोजन करवाएं कर्मचारियों का, जो कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम के तहत यदि लाभान्वित होना चाहते हैं बिना PRAN नंबर के नहीं हो सकता है। और जो हमारे जो कर्मचारी संगठन हैं उनसे भी अपील की गई है कि राज्य सरकार हर तरह से उनके हितों का ध्यान रख रही है और वो जो कदम उठाएं वो जो भी संविधान के दायरे के अंदर उसके रहते हुए कदम उठाएं, जो सरकार की तरफ से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं वो सभी को सर्कुलेट कर दिए गए हैं। जो भी कर्मचारी यदि कोई काम करना चाहे उसमें तो उनके काम में आने में किसी प्रकार का व्यवधान ना डालें और किसी को भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दबाव ना डाला जाए, तो ये उन लोगों ने भी अपनी हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जो स्वेच्छा से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं के लिए यह है, किसी पर दबाव या किसी तरह से उनको डरा धमका के पार्टिसिपेट नहीं कराया जाएगा। तो इसमें यदि कोई एक सूचना विभाग की तरफ से भी एक कुछ मटेरियल पब्लिश होके आने वाला है जो कि कंपैरिजन बताता है पेंशन स्कीम्स के बारे में कुछ करता है, कुछ चीज़ें उसके न्यू पेंशन स्कीम के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करता है, तो जैसे ही आएगा वो आप सभी के बीच में उसको भी सर्कुलेट कर दिया जाएगा और बाकी जो हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनको भी उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। आप और कुछ और चीज़? सर, एक मांग उनकी और थी मिनी कलेक्ट्रेट, कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित करवाने की पेंशन स्कीम के साथ साथ, क्या उस संबंध में? देखिए, मेरी तो जो उनसे बातचीत हुई यहाँ पे, उन्होंने अभी इसमें बताया कि मात्र एक मांग के बारे में बात है, वो पेंशन स्कीम के बारे में बात है। यदि कोई ऐसी बात होगी मिनी सचिवालय के बारे में तो वो बात करके शासन में सक्षम स्तर पर रखवा दी जाएगी, इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं। ठीक है, अवैध तो मतलब नहीं करा, इन्होंने कहा है कि किसी को छुट्टी इसमें नहीं मिलेगी और नो वर्क नो पे वाला सिद्धांत रहेगा, तो ये बात उन्होंने कही कि आप मतलब इसमें जो भी इस समय छुट्टी सेंक्शन ना करी जाए। अवैध दूसरी चीज़ हो जाती है टोटली, छुट्टी सेंक्शन ना करी जाए ये बात कही गई। ये तो छुट्टी सेंक्शन होने वाली बात नहीं है, इसमें कार्रवाई जो भी, खैर उसमें तो जो अपने कर्मचारी सेवा नियमावली है, हम लोग हम अधिकारी कर्मचारी सभी कर्मचारी सेवा नियमावली के अंतर्गत ही काम करते हैं। यदि कहीं देखा जाएगा कि उससे कहीं पे उसका अतिक्रमण हो रहा है, उससे बाहर आ रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों का संज्ञान लेते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, ये निगरानी राशन वितरण में जियो मैपिंग के थ्रू रखी जाएगी? अभी हम जरा पहले इसके बारे में बात कर लें, क्योंकि आज हम अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं तो फिर इसके बारे में बात करते हैं के बारे में। हाँ, तो अभी हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिससे जो कि शासन के निर्देश थे कि हमारे जो मीडिया भाई हैं इन सब चीज़ों को उसके बारे में बता दिया जाए, पहले उसके विषय में बात कर लेते हैं फिर दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। यदि आपका इसमें कोई प्रश्न हो तो इसके बारे में बातचीत कर ली जाए, फिर जो हमारे दूसरे साथी जो बात कर रहे हैं यदि उसके बारे में कुछ बात की जाएगी। नहीं सर, इसके थ्रू अब राशन वितरण निगरानी रखी जाएगी। हाँ, तो सर वो क्या है पूरा जियो मैपिंग और कैसे? ये मतलब मेरे ख्याल से आप जो मैं इस बात से जो बात समझ पा रहा हूँ जो आप
कहना चाह रहे हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ की एक जहां राशन वितरण हुआ करता था उसमें जो ट्रक्स जो हैं वो जब जहां ले जाते थे उनका जो है वो ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से उसमें जीपीएस लगा रहता था वो हुआ करता था। तो शासन इस बारे में कुछ कार्रवाई चल रही थी, लेकिन ये आपको डीएसओ के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो संभवतः वही है कि जैसे जैसे राशन कहाँ कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, उसका कहीं बीच में विवर्तन ना हो जाए, कहीं डाइवर्जन ना हो जाए, उसको लेके बात है। तो ये बातचीत चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पे तो अभी नहीं चल रही है, लेकिन जब भी चलेगी तो उसके बारे में फिर आपको अवगत करा दिया जाएगा।